नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए भवानी भट्टाचार्य की फेमस नॉवल सो मैनी हंगर्स की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। सो मैनी हंगर्स एक बहुत ही फेमस नॉवल है जो कि दो रियल घटनाओं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और बंगाल के अकाल को बैकग्राउंड में रखकर बनाया गया नॉवल है। ये स्टोरी है बारूनी गांव की, जहां पर मुख्य हैं देवीश बाबू या दरवेश बाबू, देवीश पासु। इन्हें लोग, गांव के लोग देवता के रूप में मानते हैं। इन्हें हम गांधी जी का प्रोटोटाइप मान सकते हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम है समरेंद्र बासु। ये एक वकील है, बहुत ही लालची किस्म का बंदा है, जिसने कि एक ट्रेड एजेंसी खोल रखी है जिसका नाम है चीप राइस लिमिटेड। यहाँ पर ये गांव वालों से, किसानों से सस्ता अनाज, सस्ता चावल खरीदता है और उसे महंगे दामों पर बेचता है। इनके दो बच्चे हैं जिनमें से एक का नाम है राहुल, जो कि स्टार्टिंग में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, और दूसरा बेटा है कुणाल। कुणाल के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है, बस यही बताया जाता है कि राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। इसे भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर बाद में जब बंगाल का अकाल पड़ता है और जिसके कारण लाखों लोग मर जाते हैं, इससे ये अपसेट हो जाता है। इसके आदर्श बड़े ऊंचे हैं, जिसके कारण हम इसे एक आदर्श व्यक्ति मान सकते हैं। ये आदर्श रूप से समाज में और जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। हालांकि राहुल समरेंद्र बाबू जैसे लालची अमीर ट्रेडमैन का बेटा है, लेकिन वो गरीब और बेबस लोगों की पूरी मदद की कोशिश करता है, ताकि वो इस जो बंग, आपको पता ही है कि बंगाल का अकाल मैन मेड फेमाइन था, क्योंकि जो सारा जो चावल था वो ब्रिटिश सरकार ने फौरन भेज दिया था या उसे गरीबों में बांटा नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए थे। इनका जो छोटा भाई है कुणाल, ये भी बहुत ही प्यारा और अफेक्शनेट करेक्टर है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता चलता है। बस यही बताया जाता है कि वो आर्मी में सर्विस के लिए नॉर्थ अमेरिका चला गया और उसके बाद इटली में आर्मी ऑफिसर बन गया। राहुल के फादर समरेंद्र बसु जो हैं वो एक वकील हैं, लेकिन वो अपने पापा देवीश बसु के अपोजिट हैं। बहुत ही शानी और बहुत ही लालची हैं, जिनका देश समाज से कोई लेना देना नहीं है, बस एक ही काम है, अपना काम जाए बनता, भाड़ में जाए जनता। पैसा कमाओ, नाम कमाओ, दाम कमाओ, कैसे कमाओ, अंग्रेजों को राजी करके कमाओ। इनकी जो ट्रेड कंपनी है जिसका नाम है चीप राइस लिमिटेड, ये किसानों से सस्ते दाम पर चावल इकट्ठा करती है और उसे महंगे दामों पर बेचती है। अपने बच्चों पर इसको बड़ा गर्व है। इनके पापा जो हैं देवीश बासु, जिसे कि लोग देवता माँ कहते हैं, ये गांधी जी के प्रोटोटाइप हैं। बरूनी गांव के लोग इनकी बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान करते हैं। इनको अपने पोते राहुल पर बड़ा गर्व है। वो हमेशा गांव वालों का फ़ायदा सोचते हैं, समाज और गांव वालों का फ़ायदा सोचने में ये अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। इन्होंने गांव वालों को सलाह दी है कि तुम जो गवर्नमेंट के एजेंट हैं उनको सस्ता चावल मत बेचो, ताकि तुम व्यापारियों और काला बाजारी वालों से, एक्सप्लोइटेशन से बच सको। बरूनी गांव को हम इंडिया का एक छोटा रूप मिनिएचर मान सकते हैं, और अब इसके अंदर एक एगिटेशन हो गया है, क्योंकि अभी गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया है। दरवेश बसु जो कि गांधी जी के सच्चे भगत हैं, उन्होंने लोगों को अपील की है कि तुम हम टैक्स मत दो। एक तरफ तो ये स्टोरी चल रही है, एक और सब स्टोरी साथ में चलती है जो कि है एक किसान की लड़की काजोली की है। काजोली की लड़की हमें ये बताती है कि किस तरह से इस मैन मेड फेमाइन, जो इंसान की बनाई हुई यह अकाल है, इसमें कितनी गरीबी है, पावर्टी, डेस्टिट्यूशन और कितनी भूख की हंगर है। काजोली के पापा और इसका भाई है कन्नू, ये दोनों जने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पकड़े गए हैं। तो इसलिए
जब वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पकड़े गए तब दविश बाबू या देवता ने काजोली की माँ को अपनी बेटी मान लिया और उसके फादर और भाई की एब्सेंस में उसके परिवार का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। उसने लोगों को देविश बाबू लोगों को और एनकरेज कर रहे हैं कि आप डरो मत और आप सिचुएशन का सामना स्ट्रॉन्ग बनके ट्रू बनके डेथलेस बनके करो। इसके बाद में देविश बाबू को भी मूवमेंट में भाग लेने के लिए जेल देहरादून जेल में भेज दिया जाता है। देविश बाबू अपनी अरेस्ट का प्रोटेस्ट करते हैं और वो जेल में एक आमरण अनशन स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सो मैनी हंगर्स की स्टोरी दो लेवल पर चलती है, एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट है और दूसरी तरफ बंगाल का फेमाइन है जिसके अंदर गांधी जी का आंदोलन भी चल रहा है और दूसरी तरफ हंगर डेस्टिट्यूशन डेथ और लोगों की सफरिंग भी चल रही है। प्लॉट थोड़ा कंपोजिट है। राहुल और काजोली की स्टोरी जो है वो दोनों थीम पर चलती हैं, फ्रीडम की थीम और हंगर की थीम। ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये फ्रीडम की थीम देती है और जो बंगाल फेमाइन है ये हंगर की थीम देती है। अब राहुल इसमें की फिगर है क्योंकि वो इंडिया के यूथ को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया का एजुकेटेड प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग यूथ है, वो भी देश को अंग्रेजों से आज़ाद देखना चाहता है, देश के लोगों को खुश देखना चाहता है, जो उसके दादाजी के गांधीवादी आदर्श हैं, इसलिए वो लोगों के साथ मिलकर इस आंदोलन को ज्वाइन करता है। भट्टाचार्य ने बहुत शानदार तरीके से दिखाया कि किस तरह एक कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला जो पर्सन है जो कि एक फाइन सिटी एलाइट है, किस तरह से वो एक ट्रेडिशनल डिवोटी फ्रीडम फाइटर में कन्वर्ट हो जाता है जब अपने दादाजी को वो सेंट्रल जेल देहरादून से मिलके आता है तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट में कूद पड़ता है और इस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। एक दिन वो भी पकड़ लिया जाता है और उसे भी जेल भेज दिया जाता है। जेल पर वो बाकी प्रिजनर्स के साथ मिलकर एक गाना गाता है, द मोर दे टाइटन द चेन द मोर चेन लूजन, जितना वो जंजीरें कसेंगे उतना जंजीरें हल्की होंगी। ठीक है, इस तरह से जो नॉवल जो है वो राहुल की स्टोरी पे क्लोज होता है जहाँ पर वो देश की आज़ादी के लिए अपनी इच्छा से जेल में जाता है। एक तरफ तो ये स्टोरी चल रही है, एक तरफ जो स्टोरी चल रही है कि इसके जो काजोली के पापा और कन्नू जो हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बंदी बना लिए गए, देवता जी ने इनका ध्यान रखा, अब देवता जी भी जेल में चले गए। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे हमें पावर्टी और डेस्टिट्यूशन की थीम दिखाई देती है। गांव वालों की मछलियों की नावें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं और किसानों को मजबूरी में अपना अनाज गवर्नमेंट एजेंट्स को और लालची समरेंद्र बासु जैसे होल्डर्स को बेचना पड़ रहा है। इस तरह जो आम लोग हैं वो गरीब बन गए, जिनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। जहाँ पे ये एक कहानी ख़त्म होती है राहुल की, वहीं दूसरी कहानी शुरू होती है कि आदमी औरतें और बच्चे हैं जो बंगाल के, वो भूख के कारण अनाज की कमी के कारण मर रहे हैं। गरीब जो हैं वो कलकत्ता की तरफ चल रहे हैं ताकि उन्हें शायद कलकत्ता में कहीं खाना और नौकरी मिल सके। इसी सिचुएशन में काजोली जो है एक लड़के किशोर से शादी करती है, थोड़ा खुश भी रहती है, पर किशोर और एक रेलवे एक्सीडेंट में मर जाता है। अब काजोली 5 महीने की प्रेग्नेंट है, वो अपनी फैमिली अपनी मदर और छोटे भाइयों के साथ बेचारी किसी तरह से रूट्स खाकर जो कुछ भी उन्हें खाने के नाम पर मिला उसे खाकर जिंदा चल रही है। अब वो भी अपनी फैमिली के साथ चलने लगते हैं, उन्होंने अपनी गायें बेच दी है, उन्होंने अपनी गायें एक फिशर वूमेन को बेच दिए ताकि उनके छोटे बच्चे की जान बचाई जा सके। अब ये सब लोग काजोली, इसका एक और छोटा भाई है जिसका नाम है ओनू, कन्नू तो जेल में, एक और भाई है जिसका नाम है ओनू, ये ओनू के साथ ये लोग कलकत्ता चल पड़ते हैं। इन्होंने बहुत शानदार तरीके से भट्टाचार्य ने दिखाया कि किस तरह किसानों की विलेजर्स की लेबरर्स की जो कंडीशन थी कि वो अपने घर छोड़कर कलकत्ता खाने और जॉब की तलाश में जा रहे थे, लाखों लोग कलकत्ता जा रहे थे।
ये जो समस्या है, दुख जो है काजोली उसकी फैमिली का नहीं है, बल्कि वो सारे लोग जो शहर में फूड और हेल्प की तलाश में जा रहे थे उनका है। रास्ते में काजोली को एक सोल्जर जो है काजोली का रेप कर देता है, और एक जैकाल जो है एक लकड़ बगा वो काजोली को खाने की कोशिश करता है, पर उसका छोटा भाई आनू किसी तरह उसे भगा देता है। काजोली को सोल्जर्स जो हैं वो हॉस्पिटल ले जाते हैं और किसी तरह उसकी ज़िंदगी बच जाती है। उसकी बूढ़ी माँ और अनु जो हैं वो सड़कों पे भीख मांगकर गुजारा करते हैं। कलकत्ता को दिखाया जाता है, कलकत्ता में और बहुत सारे लोग गरीब ही गरीब लोग आते जा रहे हैं, और इसलिए वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। भूखे लोगों को जो कुछ मिलता है वो खा लेते हैं, जिस चीज़ को जानवर नहीं खाते हैं उस चीज़ को भी वो खा लेते हैं। इस तरह जो भूख की स्ट्रगल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती दिखाई देती है। बच्चे लड़के एक दूसरे के लिए खाने के स्क्रैप के लड़ते हैं। जब काजोली हॉस्पिटल से निकलती है तो वो क्या देखती है कि वो अपनी फैमिली को मेंटेन नहीं कर पाती है, तो वो एक ब्रोथल एक वेश्याघर में जाने की सोचती है। वहाँ पे वेश्याघर भी चल रहे होते हैं, पर रास्ते में उसे एक अखबार बेचने वाले की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बताता है कि देवता जो हैं वो देहरादून की जेल में आमरण अनशन कर रहे हैं। इस तरह उसे देवता के शब्द याद आते हैं और वो डिसाइड करती है कि मैं शहर के अंदर एक न्यूज़पेपर बेचकर एक ऑनेस्ट लिविंग करूँगी, ना कि मैं ब्रोथल में जाकर रहूँगी। इस तरह ये नोवेल एंड होता है। दोनों स्टोरी जो हैं पैरलर चल रही हैं। राहुल जो है वो अपनी मर्जी से जेल चला गया है, और काजोली जो है वो एक न्यूज़पेपर वेंडर बन जाती है। इस तरह आई होप फ्रेंड्स ये नोवेल आपको समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।